के नाम नहीं लूंगा मगर सब मतलब ही निकलते जा रहे हैं, के नाम नहीं लूंगा मगर सब मतलब ही निकलते जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा आपको। इस तरह का हिंदी लिरिक्स वीडियो एडिट करना सीखेंगे आज हम, तो वीडियो पूरा देखना है क्योंकि वीडियो के बीच में आपको 5-4 अंकों का कोड मिलेगा, तो आपको नोट कर लेना है, उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह का स्टेटस बनाने के लिए आपको 2 एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ेगी, अलाइट मोशन एंड इंडियन फॉन्ट। तो ये दोनों एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। अब आपको लाइट मोशन ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके सोलो कोड नो वंडर इशू सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे आपको कर देना क्रेज प्रोजेक्ट पे क्लिक। अब आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके यहाँ से इमेज पे क्लिक करना है, इमेज एंड वीडियो पे। यहाँ से आपको इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। अब आपको मोड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके थर्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से इस तरह से जूम कर देना है। पांच वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से अच्छे से एडजस्ट कर देना है। यहाँ से आ जाना आपको बैक। अब आपको फिर से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके ऑडियो पे क्लिक करके सॉन्ग ले लेना। अगर आपके पास वीडियो में इमेज एंड वीडियो पे क्लिक करके यहाँ से वीडियो सेलेक्ट कर देना है। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद वीडियो पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ से कर देना एक्सटर्नल ऑडियो, तो आपका सॉन्ग आ जाएगा। वीडियो पे क्लिक करके वीडियो कर देना है डिलीट। अब आपको सॉन्ग के एंड में आ जाना है। यहाँ पर आपको इमेज पे क्लिक करके इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, जिससे ये एंड तक आ जाएगी। अब आपको अपने सॉन्ग देख लेना कहाँ कहाँ पे लिरिक्स हैं। तो मेरे सॉन्ग के लिरिक्स यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो आपको यहाँ पे कर देना है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक, जिससे ये मार्क हो जाएगा। तो इस तरह से आपको प्ले करके देख लेना है कहाँ कहाँ पे है, तो इस तरह से मार्क कर देना आपको। अब आपको यहाँ पे आके प्लस वाला आइकन पे आके टेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको टेक्स्ट बेस्ट लिरिक्स टाइप करनी है, तो यहाँ से मैंने पहले से टाइप कर रखी है, तो आपको हिंदी में पहले से टाइप कर रख देनी है। तो यहाँ से आपको बेस्ट लिरिक्स कॉपी करना है। अब आपको इंडियन फॉन्ट वाला एप्लीकेशन, इंडियन फॉन्ट वाला एप्लीकेशन ओपन करना है। अब आपको इसी रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इंडियन फॉन्ट्स, और यहाँ पे कर देना आपको पेस्ट। और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके तो यहाँ पे ऐड आएगा, तो ऐड को कर देना कट। अब आपको यहाँ पे कॉपी पे क्लिक कर देना, तो यहाँ से आपकी लिरिक्स कॉपी हो जाएगी। अब आपको लाइट मोशन में आना है, यहाँ पे कर देना है पेस्ट। यहाँ से आपको रोबोट रेगुलर पे क्लिक करके ये वाला फॉन्ट यूज़ लेना है। तो ये फॉन्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा। कलर पे क्लिक करके वाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है। ATPT पे क्लिक करके यहाँ से बढ़ा के 20 ऐड करना है। इसको इस तरह से बढ़ा देना है, एक लाइन में रखना है। इन लाइन्स पे 2 बार क्लिक करना है, जिससे लिरिक्स आपकी वो सेंटर में आ जाएगी। अब आपको कर देना है राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक। मूवी ट्रांसफॉर पर क्लिक करके थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से इस तरह से आपको अच्छे से एडजस्ट कर देना है। अब आपको यहाँ से आ जाना बैक। अब आपको फिर से प्लस वाला आइकन पे, सॉरी, यहाँ से आपको लिरिक्स पे क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से एडिट पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको ड्राइविंग पे क्लिक करके ड्राइविंग प्रोग्रेस वाला इफेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको एंड में क्लिक करके यहाँ पे स्टार्ट में प्लस का आइकन देना है, एक यहाँ पे प्लस का आइकन दे देना है इस तरह से। यहाँ से आपको फर्स्ट वाले पे आके इसको कर देना है 0 इस तरह। अब आपको सेकंड लिरिक्स यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके टेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको, मैंने पहले से टाइप कर रखी है, तो यहाँ से आपको सेकंड लिरिक्स करना है कॉपी। इंडियन फॉन्ट में जाना है, यहाँ से आपको फिर से पेस्ट करना है, और यहाँ से आपको ये डाई का वो कट कर देना है। यहाँ से आपको कर देना है कॉपी।
यहाँ पे करना है आपको पेस्ट, रिपोर्ट रेगुलर पे क्लिक करके इस वाला ये वाला फॉन्ट यूज़ लेना है। तो इसके लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी और इसको डाउन एक्सपोर्ट कर लेना है। जो कोड है वो आपको टेलीग्राम मिल जाएंगे, या फिर आपको वीडियो पूरा देखना है तो वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको बीच बीच में मिल जाएगा कोड सारे। अब आपको कलर पे क्लिक करके यहाँ से वाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है और इसको एक लाइन में कर देना है इस तरह से। थ्री लाइन्स पे क्लिक करना है दो बार, जिससे ये सेंटर में आ जाएगी। एटीपीटी पे क्लिक करके इसको बढ़ा के 28 कर देना है। यहाँ से कर देना है राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक। अब आपको मोर ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके इसको इस तरह से नीचे की साइड में लेके आना है। यहाँ से कर देना है इसको जूम। अब आपको यहाँ से बैग आ जाना है, इफेक्ट पे क्लिक करके ये इफेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको टैक्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको टैक्स प्रोग्रेस वाला इफेक्ट सिलेक्ट कर देना है इस तरह से। अब आपको यहाँ से एंड पे क्लिक करना है, यहाँ पे प्लस का आइकन देना है और ये प्लस का आइकन यहाँ पे दे देना है। नेक्स्ट वाले प्लस के आइकन पे आके इसको कर देना है जीरो। यहाँ से आ जाना बैक। अब आपको देखना है सेकंड लिरिक्स कहाँ पे एंड हो रही है, तो यहाँ पे एंड हो रही है, यहाँ पे आके यहाँ मार्क कर देना है। और फर्स्ट वाली लिरिक्स पे क्लिक करके यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक, तो यहाँ तक आ जाएगी। और इसको भी बढ़ा के इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ये यहाँ तक आ जाएगी। अब आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से आपका टेक्स्ट बन के तैयार हो जाएगा जो कि दिखने में बहुत ही शानदार है। तो इस तरह से आपका हिंदी लिरिक्स वीडियो एडिट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक मटेरियल यूज करना है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर टेलीग्राम चैनल में जाके वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से ये वाला मेटीरियल सेलेक्ट कर देना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके इसको कर देना फुल स्क्रीन। ब्लेंडिंग पे क्लिक करके लाइटिंग पे क्लिक करके इसको कर देना स्क्रीन, तो ये हो जाएगा। इसको स्टार्ट में लेकर आ देना इस तरह से, तो कुछ इस तरह से स्टेटस बन के तैयार हो जाएगा आपका। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसको एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर कॉर्नर पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ से कर देना एक्सपोर्ट पे क्लिक।